स्टैकिंग चैनल में आपका एक और फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत डांगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैनन की IR3226 है हमारे पास, और इसको मैं चलाना सिखाऊंगा आपको, कैसे चलती है, क्या इसमें प्रोसेस है, और फोटोकॉपी कैसे देनी है, प्रिंट कैसे देना है, कैसे इसका चेक करना है भाई, कितने कितने क्या पेज निकल चुके हैं, मोटा मोटा बताऊँगा मैं कि कैसे चलेगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म, फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, और जितना भी साइबर कैफ़े का काम होता है वो सारी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कुछ ये है मशीन, हमारा सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है क्योंकि सेटअप दोबारा से कर रहा हूँ शॉप, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो ये है हमारे पास कैनन की IR3226, ठीक है, कुछ इस तरह से। मैंने ये नई ली थी, और नई मशीन लेने का ये फ़ायदा होता है कि चार तो ज़्यादा हो गए, 2-3 साल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये इसकी एक टच स्क्रीन है, पूरी टच है ये, काफ़ी बढ़िया है, रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है इसका। और इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पर डलते हैं A4 पेपर, पूरा एक पैकेट आ जाता है 500 शीट का, जिसमें कि ये वाली मैं यूज़ करता हूँ, इसमें ग्रीन सेंचुरी 70 GSM करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, 75 GSM पर 70 बहुत रहता है, और इससे भी 70 बिंदल भी आता है, और भी का स्पेक्ट्रा भी आता है, ये भी यूज़ करता हूँ, स्पेक्ट्रा ये रहा स्पेक्ट्रा। तो उसके बाद इसमें आती है 500 शीट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना पेज साइज सेट करने के लिए भी होता है, जैसे कि आप इसमें कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, भाई छोटा करना है, बड़ा करना है, छोटे एनवलप करने हैं प्रिंट, या फिर लीगल साइज, जो भी इसमें आप करना चाहते हो वो इसमें यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लगा दिया है, यहाँ से प्रिंट चले जाएंगे। कलर ये वाली क्या है, कलर मशीन है, आप इसमें ब्लैक एंड वाइट तो निकाल ही सकते हो, साथ साथ कलर भी निकाल सकते हो। नीचे क्या है, A3 है, इसमें काफ़ी धूल लगी है, मशीन की साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्या कहते हैं ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, अभी मैं दुकान सेट कर रहा हूँ तो इसकी वजह से धूल ज़्यादा आ रही है, पर इसकी सर्विस, इसकी क्या है, क्लीनिंग कर दूँगा। ये है A3, यहाँ पर भी नीचे भी 500 शीट आ जाती है A3 की, ठीक है। इसके नीचे भी वही सेम है, एक बार मैं हटा के भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे आप इसको भी सेट कर सकते हो कि आपको कौन से साइज का पेपर चाहिए, A4 चाहिए या A3 चाहिए, A4 चाहिए, सारे साइज यहाँ पे दिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको रख देंगे वापस, ये हमने कर दिया इसमें वापस सेट। तो क्या है, मशीन काफ़ी बढ़िया है, मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपको फोटोकॉपी कैसे निकालनी होती है। फोटोकॉपी ऐसे निकलेगी इसमें, ये जो इसकी डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है कैनन पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी ब्लैक एंड वाइट, या फिर ऑटो कलर, या फिर कलर पर भी है, मतलब दोनों पर भी रख सकते हो। ब्लैक एंड वाइट निकालनी है तो बस ब्लैक एंड वाइट, अगर उसमें कलर का कुछ है तो यहाँ पे जाओगे। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कुछ रखा हुआ है तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, कमांड देनी है, मैं एक ऐसे खाली पेज की कमांड दे देता हूँ, तो यहाँ से निकल के आएगी। तो मैंने ऐसे ही दे दी थी, तो ये आ चुकी है, हल्का सा यहाँ पे दाग आया है क्योंकि इस ग्लास पे थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा। ये दी थी हमने A4 की, अगर A3 की आपको देनी है तो A3 की भी सेम है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से A3 सेलेक्ट करना है, A3 और A3 की कमांड देनी है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको लाइट का, ये लास्ट तक जा रही है, देख रहे हो, अब नीचे से निकल के आ रही है A3। तो ये देखिए A3 की कमांड यहाँ से आ चुकी है, काफ़ी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ना पेज अटकने की ना कुछ। उसके बाद आती है भैया आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कैसे देनी है, यहाँ पे आता है ऑप्शन, यहाँ से कर देते हैं A4, यहाँ से जाना है आपको ऑप्शन पे,
ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 2, 3 ये आ चुका है आईडी कार्ड का ऑप्शन। ओके कर दोगे तो आधार कार्ड आपको रखना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से दोगे कमांड तो ये देखिए एक लाइट जल गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आधार कार्ड ऐसे उल्टा करना है बिल्कुल वही सेम पोजीशन पे, फिर स्टार्ट देना है। दो बार स्कैन करके यहाँ से A4 का प्रिंट यहाँ से आ जाएगा। तो ये तो मैंने खाली ही दिया था, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद बात आती है भाई रीसेट, यहाँ से अगर करना हो तो यहाँ से रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। सारा रीसेट हो गया। फ्रंट बैक कैसे देनी है, यहाँ से देना है फ्रंट, यहाँ पे दिया है 2x2x2 लिखा हुआ है, ओके कर देंगे। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे भी कुछ लिखा है और यहाँ पे भी कुछ लिखा है, तो उसको क्या है हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक दे दूँगा शीट 2 सेलेक्ट हमने कर दिया है, यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं और यहाँ से कमांड दे देंगे एक की। तो अब क्या है, 2 बार अंदर बाहर जाएगी, ये गई अंदर बाहर, ये देखें, और यहाँ से भी सेम, ये देखिए मशीन काफ़ी सही है, तेज़ है, इससे भी बहुत तेज मशीन आती है, फास्ट आती है, पर ये नॉर्मल है अपनी, ये निकाल देती है अपनी 30 पेज पर मिनट निकालती है, ठीक है। तो ये फ्रंट बैक की ये इस तरह से आ जाती है। उसके बाद आती है अपना क्या कहते हैं कोलेट, जैसे कि भैया आप कर रहे हो एग्ज़ाम पेपर क्या कहते हैं प्रिंट कर रहे हो, तो उसमें क्या है सेट वाइज ये होते हैं कि भाई 5 पेज हैं तो उसके हर बारी 5 5 सेट निकलते रहें, उसका उसमें ये करना होता है। जैसे हमने 2 पेज यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से हमने कर लिया कोलेट पे ABCD, इसका मतलब ये है कि भाई AB ये निकल जाएगा, फिर AB निकलेगा, फिर AB निकलेगा, फिर AB निकलेगा, इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है AA जैसे दिख रहा है, तो ये ऐसे है जैसे हम 50 पेज की कमांड देंगे, पहले 50 पेज ये निकलेगा, A निकलेगा, फिर 50 पेज B निकलेगा, इस तरह से। तो इसमें मैं देता हूँ आपको AB करके, ABC करके वाली कमांड करके देते हैं, हमने फ्रंट बैक की दी थी, तो ये देखिए फ्रंट बैक के दोनों साइड आ गई, वो सेम प्रोसेस यहाँ से, जैसे वहाँ स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है नीचे प्रिंटिंग देंगे कमांड मशीन देंगे स्टार्ट कर देती है। ये देखिए हो चुकी है डन, ठीक है। होम पे करते ही सारी सेटिंग होम पे आ जाती है। उसके बाद यहाँ आता है स्कैनिंग का ऑप्शन, स्कैनिंग के बाद एड्रेस बुक, एड्रेस बुक में ये हमारी मेल आईडी है, ये सब है, ठीक है। उसको फिर क्या कहते हैं, यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करके अपनी वो क्या है स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन करेंगे कोई भी स्कैन टू फोल्डर लैपटॉप में बना होता है, यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ करेंगे इसमें कोई, ये देखिए यहाँ गई, पेज अटक गया है, तो ये भी एक सही रहा, अटक गया तो आपको पता भी चलेगा कैसे निकलेगा। कुछ नहीं करना, यहाँ से ढक्कन खोलना है, ठीक है, यहाँ से खींच लो तो निकाल लो बढ़िया, अगर बिल्कुल ज़्यादा ही अटक जाए तो यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, इसको गोल गोल घुमा के भी आप पेज निकाल सकते हो, नीचे से ये घूमता भी है, ये देखिए ये आसानी से पेज निकल सकता, फटने का भी डर नहीं होता, बस मुड़ा कोई फटा नहीं है पेज। एक ये भी था, स्कैनिंग क्या है ये लैपटॉप में चली जाती है स्कैनिंग डायरेक्ट, यहाँ से भी आप क्या कहते हैं प्रिंट दे सकते हो, मतलब छोटा बड़ा करना हो एनवलप का हो, जैसे कोई एक एनवलप मैं ले लेता हूँ, एनवलप हमारे पास जैसे ये है, ठीक है, जैसे हमें एनवलप प्रिंट करना है तो यहाँ से हम इसको डाल सकते हैं इस तरह से, ये तो मैं इस पर अगर लिखा हुआ है, तो अगर वैसे आपको उस पर प्रिंट करना है ना तो प्रिंट के लिए यहाँ से है, पहले मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ ये कैसे काम करेगा। होम पे जाएंगे, कॉपी ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, डन, नीचे से चल गई, एक बार फिर करेंगे,
यहाँ पे लाइट भी जलती है, अगर यहाँ पे कुछ होता है तो जैसे ही जल गई है एक बार फिर करेंगे। देखो ऊपर लाइट जल गई है, यहाँ से कमांड, ये गया अंदर और ये बाहर आ चुका है, डन। यहाँ से आया ऑटो का ऑप्शन, A4 पे कर दोगे तो A4 का यहाँ से नीचे से पेपर निकल जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रिंट मशीन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया आती है। ये इस तरह से अगर यहाँ से आपको इस पर प्रिंट करना है तो ये इसका यहाँ बाईपास दिया हुआ है, यहाँ से आप A3 भी पेज प्रिंट कर सकते हो या ये छोटे से छोटे लेटर हेड भी पेज प्रिंट कर सकते हो, करना कुछ नहीं है। यहाँ रखना आपको कुछ इस तरह से, यहाँ रखोगे इसके बाद इसका करते क्लोज, ये देखिए हो चुका है यहाँ से डन। कमांड देनी है तो कमांड भी दे सकते हो, जैसे एक और ले लेता हूँ या फ्री साइज़ करके वैसे ही दिखा देता हूँ, यहाँ से फ्री साइज़। ओके, इसको ओपन कर देता हूँ, कभी इसमें से ना खींच ले, यहाँ से ओके डन, तो ये पता भी चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से खींच लिया है, ये देखिए आ चुका है यहाँ से एनवेलप अपना, तो इस तरह से भी आप गर्म हो चुका है मस्त। यहाँ से ये क्या कहते हैं एनवल भी प्रिंट हो जाएंगे, छोटे बड़े कोई भी हो वो सारे आपके प्रिंट हो जाएंगे। A4 वाला एनवल भी हो जाएगा, A3 का पेज भी अगर यहाँ से ज़्यादा मोटा पेज है, ठीक है, इसमें ज़्यादा मोटे पेज हो नहीं पाएंगे, ठीक है, जैसे कि फ़ोटो वाले पेपर हो गए 180 GSM 200 GSM वो आपको करने यहाँ से, तो वो भी यहाँ से हो जाएंगे। जैसे करना कुछ नहीं है, ये यहाँ पर हमने पेज सेट कर दिया है, प्री साइज कर देंगे, ओके कर देंगे, या फिर A3 वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से A3 कर लेते हैं, ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे क्योंकि ये वाला क्या है नीचे ट्रेस उठाएगा। यहाँ से लाइट चल चुकी है अपनी, उसके बाद देखेंगे, देखा यहाँ से उठा लिया, यहाँ से अपना पेपर बाहर आ चुका है, देखिए ये है कॉपी का। अगर आपको पेज चेक करने कितने निकाल दें यहाँ से पता चल जाएगा काउंटर से, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ मेरे आपको दिख रहा होगा 72,000 पेज मैंने अब तक निकाले हैं इसमें, ठीक है। इसके प्रिंट लिस्ट चाहिए तो यहाँ से प्रिंट लिस्ट भी आ जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइस इन्फो, तो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ से पता चल जाएगी। तो धीरे धीरे मैं क्या इनकी वीडियो बनाता रहूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद यहाँ से क्या कहते हैं, अगर आपको यहाँ से फैक्स करना है, स्टोरेज चेक करना है या फिर पेन ड्राइव लगानी है, पेन ड्राइव भी लगती है इसमें, पेन ड्राइव का ऑप्शन ये रहा, इसका भी मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा पेन ड्राइव का कि कैसे यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंट दे सकते हो, क्योंकि अभी मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, मोटा मोटा मैंने सब बता ही दिया आपको, A3 का A4 का कि किस तरह से आप यहाँ प्रिंट निकाल सकते हो। इसको यहाँ से बंद कर देंगे, और यहाँ से क्या है प्रिंट का तो मैंने फ़ोटो कॉपी का आपको बता ही दिया, यहाँ से अच्छा ये तो रही है, यहाँ से अगर आपको इसका जैसे भाई छोटी कॉपी करनी है 0 साइज़ बोल लो, या बड़ी करनी है जूम करके, 25 मिनिमम होती है इसमें, इससे कम होती नहीं है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कुछ नहीं करना, A4 का पेज अंदर कर दिया, ठीक है, A4 डन, 25% आ जाएगी, 25% में पूरी ये स्कैन होएगा जितना भी है, ये देखिए यहाँ से आखिरी तक जाएगा, ये देखिए बिल्कुल छोटा होगा ये, अगर इतना बड़ा पेज है तो आपका इतना समय आ जाएगा। मैं भी खाली से नहीं निकालूँ क्योंकि पेज वेस्ट ना हो, पर आपको समझ आ ही रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ से आप बड़ा भी साइज़ कर सकते हो, जैसे आपने कोई छोटी चीज़ रख दी, आई कार्ड रख दिया, आपको चाहिए बड़ा, तो यहाँ से आप उसको कर सकते हो। आप मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 400 है, ये रहा 400, तो 400 से ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है, ये तो हो गया ये। अगर आपको समझ नहीं आ रहा भाई साइज़ क्या है, तो उसके लिए आप क्या करना है कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाओगे रेशियो पे, ऑटो पे सेलेक्ट कर दोगे, अपने आप ही वो डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं इनके अंदर यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा क्या चीज़ है, तो क्या है वो सारी चीज़ वो क्या है स्कैन कर लेते हैं कि भाई कितने साइज़ का पेपर है, तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है, उसमें आपको ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं होती,
तो ये भी काफ़ी बढ़िया है इसमें। और आपका बाय चांस, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें एक ये पेन भी दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा इधर, ये रहा ये पेन दिया हुआ है इधर, देख रहे हैं, तो ये पेन दिया हुआ है एक, तो इस पेन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इस तरह से उल्टे हाथ से करके दिखा रहा हूँ। रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है इसका, रिस्पॉन्स इसका इतना अच्छा है, अगर इसको आप पेपर से भी कर दोगे ना, पता नहीं कई बार बुक लग जाती थी, अभी तो हो नहीं रहा, तो ना हो रहा है, अभी प्लास्टिक से कर रहा हूँ तो उससे भी हो रहा है, कई बार प्रिंट फोटो कॉपी करते करते भी भूख लग जाती है तो उससे भी ये टच हो जाता है। तो पेन भी दिया हुआ इन्होंने, पेन वापस लगा दी, यूज़ नहीं आता पेन का, एक हाथ में और चीज़ एक इकट्ठी हो जाती है, तो इसके बिना पेन के ही यूज़ करते हैं। ये हो गया है, इसमें इंक कितनी डलती है, इसमें 17,000 रुपये की इंक डलती है, 17,000 रुपये की मैंने डलवाई है, अलग अलग रेट है, कोई कुछ बता देगा, कुछ कुछ बता देगा, कोई सस्ती भी बता देगा। 17,000 की मैं जिसमें चलती है, चार इंक डलती है, ठीक है, तीन कलर है, एक ब्लैक है, पर ओरिजिनल का रेट बता रहा हूँ आपको, 17,000 में मैंने डलवाई है ओरिजिनल कैनन के सीधा स्टोर से लेके, ठीक है, इसमें यहाँ डलती है इंक, इसकी भी जो बोतल है वो दिखाता हूँ, ये बड़ी, ये ब्लैक वाली, ये ओरिजिनल ब्लैक ही है ना, नहीं ये है मजेंटा, देख रहे हो ये वाली है इसकी मजेंटा, ये आई थिंक मेरे ख्याल से आई थी 4,000 रुपये की कुछ आई थी, 4, 4, 12, 16 नहीं महंगी आई थी, 4.5 की आई होगी आई थिंक। तो ये देखिए, ये इसमें डलती है एक ब्लैक, एक ये सियान करके, एक मजेंटा करके, एक येलो करके, निकाल के दिखा देता हूँ आपको कोई सी भी, मैं एक ये देखिए ब्लैक ज़्यादा बड़ी बड़ी बोतल है ब्लैक की, इसमें आपको काफ़ी सारी इंक आ जाती है, कलर वाली थोड़ी छोटी छोटी है, देखिए तो ये है कलर, और ख़त्म सी होने वाली है, मतलब खर्चा होने वाला 17,000 रुपये का, थोड़ी बची है, लगी हुई कुछ इस तरह से, अंदर तक धूल चली गई है, देख रहे हो, धूल से काफ़ी बचानी पड़ती है आपको, नहीं तो ये मशीन है ना दिक्कत देने लग जाती है, यहाँ पर भी धूल आ रही है, फिर कोई नहीं सफाई करेंगे, इनमें भी धूल घुसी हुई है, देख, अगर बाय चांस कुछ मशीन में दिक्कत आ जाए तो यहाँ कुछ नहीं करना, ऐसे इसको अंदर डालना है यहाँ पे, इस तरह से, इसमें जो लेज़र है, जो सेंसर है वो क्लीन हो जाते हैं इस तरह से, मोटा मोटा इसको कर देंगे बंद, फिट करना पड़ेगी, यहाँ से मैं लगा देता हूँ। बाय चांस अगर मशीन में यहाँ पेपर फंस जाए इसके इस साइड, तो करना ये है आपको, यहाँ से करना है इसका ढक्कन खोलना है, ये रहा फिवर दिया हुआ है, तो नहीं करना ऐप खुल जाए, कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत सारी चीज़ है, सारा प्लास्टिक प्लास्टिक है, देखिए ऐसे, और यहाँ पे अगर पेच फंस जाए तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है, इसकी भी एक अलग से वीडियो बन सकती है, ये भी खुल जाता है, मैं इसको अलग वीडियो में खोल के बता दूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, 18 मिनट की भी होती है। वाईफाई आता है इसमें, कोई तार कनेक्ट नहीं है, ना लैन केबल ना कुछ, सीधा अपना वहाँ पावर प्लग में कनेक्ट है और यहाँ पे कनेक्ट है बस। ये मेरे पास एक ये वाली मशीन भी है, इसकी भी वीडियोज़ आती रहेगी, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस डेली ही मैं अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स भी डालता हूँ, ठीक है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको कुछ बाय भी करना है तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जैसे मशीन है पीवीसी कार्ड वाली, या फिर लैमिनेशन शीट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ायदा करेगी कि साइबर कैफे चलाने में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।